हेलो एवरीवन होप यू ऑल आर डूइंग गुड टुडे वी आर गोइंग टू डिस्कस सम वाई क्यूज दैट वर रिलेटेड टू एसिड्स एंड बेसिस तो एसिड्स एंड बेसिस से रिलेटेड जैसे कि हम मटेरियल ऑफ डेली यूज कर रहे थे हमने प्लास्टिक्स के बारे में पढ़ा वो वीडियो अलग से बनाई उसके पी वाई के किए फिर हमने फाइबर्स टू फैब्रिक के बारे में पढ़ा अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं दैट इज एसिड एंड बेस ये भी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है हर बार इसमें से क्वेश्चन आते ही आते हैं सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन तुम्हारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है दैट सम सम एसिड्स आर आर एंड वीक पता है कुछ एसिड स्ट्रोंग होते हैं और कुछ वीक होते हैं द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड बात किसकी कही गई है एसिड बेस की यहाँ पे किसी ने बात नहीं की ये जो स्ट्रेंथ होती है एसिड की डिपेंड करती है कुछ आय पे जो वाटर में प्रोड्यूस होते हैं वो आयन्स कौन से हैं तो देखिए जी ध्यान से देखा जाए तो एसिड में कौन से आयन्स प्रोड्यूस होते हैं तो हम सबको पता है एसिड में हाइड्रोजन आयन्स प्रोड्यूस होते हैं और अगर बेस की बात हो तो उसमें ओ एच नेगेटिव हाइड्रोक्सिल आय प्रोड्यूस होते हैं तो डायरेक्ट सा आंसर है देखो एसिड के बारे में पूछा गया बेसिस की कोई बात नहीं हुई है तो सीधा सा आंसर क्या है कि एसिड में कौन से आयंस बनते हैं इनका कहने का मतलब ये है तो एसिड में देखो ना ही मेटल होते हैं ना ही ऑक्सीजन आयन की बात होती है ना ही क्लोरीन आयन की बात होती है उसमें हाइड्रोजन आयन्स बनते हैं सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन राइट आई होप दिस फर्स्ट क्वेश्चन इज क्लियर टू यू क्या है match the column one the column two. So कुछ एसिड्स दे रखे हैं सामने उनके सोर्स दे रखे हैं कि ये के कौन कौन से या इन सोर्सेज में कौन से एसिड प्रेजेंट हैं तो उसको हमने मैच करना है so so सबसे पहले जो फटाफट से करवाए हुए हैं पहले तो वही देख लो टी से टी दैट इज टाटर एसिड का क्या होता है Tamarind means, जो आर है उसका क्या है फोर है तो अब देख लो आर का फोर पे है आर का four अगर देखा जाए तो सिर्फ बी ऑप्शन में और तो कहीं है ही नहीं है ठीक है तो वैसे तो आपको आंसर मिल ही गया एक तरह से अगर देखा जाए फिर भी हम देखते हैं नेक्स्ट बात करते हैं फिर आते हैं हम फॉर्मिक एसिड पे तो फॉर्मिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है तो हम सबको पता है जो एंट स्टिंग होती है ठीक है चीटी की जो बाइट होती है ना उसमें फॉर्मिक एसिड प्रेजेंट होता है और सिट्रिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है तो सिट्रिक एसिड भी हम सबको पता है सिट्रिक एसिड मतलब खट्टे की बात हुई है वो किस में प्रेजेंट होता है लेमन में प्रेजेंट होता है फिर उसके बाद मैलिक एसिड किस में प्रेजेंट होता है तो मैलिक एसिड एप्पल में प्रेजेंट होता है ठीक है जी तो अब देखिए वैसे मुझे लगता है कुछ गड़बड़ है इन ऑप्शन में फिर से चेक करते हैं हम फर्स्ट का एस है ठीक है का का है है फिर उसके बाद मैलिक एसिड क्यू है क्यू का थ्री ठीक है एंड टार्टरिक आर का फोर है कुछ गड़बड़ कर रखी है इन्होंने वैसे ऑप्शन आपका बी ही है बट उन्होंने सीक्वेंस चेंज कर रखा है ठीक है तो उसका थोड़ा सा ध्यान देना इन्होंने गड़बड़ कर रखी है सारे में ठीक है ये फर्स्ट तो दो ऑप्शन इन्होंने गड़बड़ कर रखा है यहाँ पे टू इधर आना था थ्री इधर आना था फोर एंड वन सही है ठीक है सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन योर नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन अ मैन गोस डोर टू डोर पोजिंग एज अ गोल्ड स्मिथ एक गोल्ड स्मिथ है वो घर घर पे जा रहा है सबके ठीक है गोल्ड स्मिथ आप सबको पता होगा जो गहने बनाता है राइट ही प्रॉमिसेज टू ब्रिंग बैक द ग्लीटर्स ऑन द डल गोल्ड ऑनमेंट्स वो घर घर पे जाके बोलते हैं कि अगर आपके कोई पुराने गहने हैं तो आप मुझे दे दो मैं उनकी सफ़ाई करके आपको बिल्कुल चमका के दे दूंगा ऐसा लगेगा जैसे असली सोना है एंड अनएक्सपेक्टिंग वोमेंस गिव अ सेट ऑफ गोल्ड बैंगल्स टू हिम एक वुमेन ने क्या किया उस गोल्ड स्मिथ को अपनी ज्वेलरी दे दी मतलब बैंगल्स दे दिए अपने कड़े दे दिए और उसने ना जो गोल्ड स्मिथ था उसने किसी सोल्यूशन में उस कड़े को डाला और जो बैंगल्स हैं वो तो इतने चमकने लगे पर उनका वेट थोड़ा सा कम हो गया ठीक है तो वो सल्यूशन यूज बाय द इम प्रोबेबली इज तो वो गोल्ड स्मिथ ने वो कौन सा सल्यूशन यूज़ किया था जिसकी वजह से जो वो चमकने लग गया और थोड़ा सा उसका वेट क्या है रिड्यूस हो गया तो देखिए ना ही वो एच सी एल होता है क्योंकि एसिडिक चीज में आप कभी भी ऑर्नामेंट्स नहीं डाल सकते राइट right? सल्फ्यूरिक में नहीं डाल सकते नाइस्ट्रिक में नहीं डाल सकते इसका आंसर बिल्कुल करेक्ट है एक्वा रीजिया ठीक है एक्वारिजिया थ्री रेशियो वन मीन्स एच सी एल रेशो नाइट्रिक एसिड ठीक है इन दोनों की रेशो होती है जिससे बनता है एक्वा रीजिया आई होप दिस क्लियर सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन नाम क्वेश्चन अब इनमें से आइडेंटिफाई कीजिए ऑक्साइड दैट फॉर्म एसिड वो ऑक्साइड जो एसिड फॉर्म करते हैं वेन डिजॉल्व इन वॉटर और क्या फॉर्म करते हैं एसिड रेन अब एसिड रेन से कंसर्न तीन तरह की गैसेस की बात हुई है ठीक है पढ़ाया भी था कि एसिड रेन में कौन सी तीन मेन गैसेस जो प्रेजेंट होती हैं मोन तो देखो बिल्कुल ही नहीं होती तो ये तो होगा ही नहीं एन ए टू ओ एम जी ओ मैग्नीशियम ऑक्साइड्स बिल्कुल भी नहीं होते ए, एम जी ओ तो बिल्कुल भी नहीं होता होता क्या है सी ओ टू कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट सल्फर डाइऑक्साइड नाइट्रोजन डाइऑक्साइड ये तीन गैसेस प्रेजेंट होती हैं और जिनकी वजह से एसिड रेन होता है सो सी ऑप्शन इज योर

पहला ऑप्शन कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी वो तो हम सबको पता है कि एसिड हो या बेस हो दोनों ही गुड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होते हैं बिल्कुल सही है इवैल्यूएशन ऑफ हाइड्रोजन बिल्कुल सही है एसिड में एच पॉजिटिव मिलता है और बेस uh, में हमें हाइड्रोक्सिल मिलता है ओ एच माइनस तो दोनों में हाइड्रोजन है ठीक है दोनों ही करोजिव होते हैं नेचर में बिल्कुल सही है बट लिटमस पेपर के मामले में दोनों अलग हैं एसिड क्या करता है ब्लू को रेड में चेंज करता है और बेस क्या करता है रेड को ब्लू में चेंज कर देता है तो यहाँ पे एक डिफरेंस आ गया ठीक है सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन नेक्स्ट क्वेश्चन इनमें से कौन सा लिविंग बीइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ इंडिकेटर ठीक है इंडिकेटर्स दो तरह के होते हैं नेचुरल इंडिकेटर्स एंड आर्टिफिशियल इंडिकेटर्स नेचुरल तो होते हैं जो मैं नेचर से जैसे लिच हो गया चाइना रोज हो गया हल्दी होगी जिसको टर्मरिक बोलते हैं ठीक है ठीके? तो ये सब चीजों से जब हमें लिटमस मिलता है जैसे लिटमस पेपर हो गया वो किससे बनता है लिचन से ही बनता है ठीक है तो इनमें से कौन सा नेचुरल सोर्स नहीं है इंडिकेटर्स का इंडिकेटर्स कौन से होते हैं जो हमें एसिड और बेस के बीच का फर्क बताते हैं जिससे हमें पता लगता है कोई चीज एसिडिक है या बेसिक है टेस्ट करके ठीक है तो इनमें से देखो टर्मरिक भी नेचुरल है भी नेचुरल है चाइना रोज भी बट लोटस के बारे में तो हमने कहीं भी नहीं पढ़ा लोटस तो है ही नहीं है सो डी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन कि ये क्या है सोर्स ऑफ इंडिकेटर नहीं है ठीक है नाउ कम नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखिए ध्यान से इन द दल्टरनेटिव दैट फॉलोज द क्योर हैज बिन सजेस्टेड अगेंट ई द गिवन डेली लाइफ प्रॉब्लम अब एसिड से रिलेटेड ये क्वेश्चन है ठीक है आइडेंटिफाई करना है कि कौन सी प्रॉब्लम के लिए हम कौन सी चीज यूज करते हैं जैसे हमारा पेट दर्द होता है हम उसके लिए क्या यूज करते हैं मैग्नीशियम ऑक्साइड यूज करते हैं ठीक है जी सॉरी मैग्नीशियम हाइड्रो ऑक्साइड जिसको मिल्क ऑफ मैग्नीशिया भी बोलते हैं एलुमिनियम हाइड्रो ऑक्साइड भी यूज कर सकते हैं आट काटती है मतलब चींटी काटती है चींटी बाइट करती है उसके लिए हम बेकिंग सोडा लगा सकते हैं उसके ऊपर ठीक है मतलब ऐसे ही हमने इसमें से बताना है कौन सा फॉलोज आइडेंटिफाई द ऑल्टरनेटिव विद एन अप्रोप्रिएट सजेशन इनमें से कौन सा बिल्कुल सही है ये बताना है तो पहला इनडाइजेशन इनडाइजेशन मतलब एसिडिटी हो रही है पेट में तो हम मिल्क ऑफ मैगनीशिया यूज करते हैं बिल्कुल करेक्ट है एंट स्टिंग में हम सिरका लगाते हैं अरे बेकिंग सोडा लगाते हैं एसिडिक सॉइल में लाइम कभी नहीं डालते एसिडिक फैक्ट्री वेस्ट में कभी भी स्लेक लाइम यूज़ नहीं होता पर इनडाइजेशन मिल्क ऑफ मैग्नीशिया यूज़ किया जाता है बिल्कुल so, करेक्ट है सो ए ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर नाउ कम्स टू द नेक्स्ट क्वेश्चन जो फाइबर्स हैं कॉटन के उनको केमिकली कंसीडर किया जाता है पॉलीमर पॉलीमर डैट इज कॉल्ड सेलुलोज तो कौन सा मोनोमर होता है सेलुलोज का तो हम सबको पता है सेलुलोज का मोनोमर कौन सा होता है ग्लूकोश ठीक है जी सो बी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन हियर याद रखना हमेशा क्वेश्चन किसी भी तरह आ सकता है कि सेलुलोज है जो उसका मोनोमर हमेशा कौन सा होता है ग्लूकोस होता है नेक्स्ट क्वेश्चन टाटरिक एसिड इज फाउंड टाटरिक वैसे तो अगर देखा जाए टाटेरिक होता है जो खटास पे होता है थोड़ा ठीक है एक तो टैमरिंड हो गया ये तो है ही है इमली जिसको हम बोलते हैं टैमरिंड में लेमन्स में हमेशा सिट्रिक एसिड होता है आमला में एस्कॉर्बिक एसिड होता है अनराइट मैंगोज में टाटेरिक होते हैं और ग्रेप्स भी खट्टे होते हैं गूर खट्टे हैं तो क्या है टाटेरिक है तो सी और डी बिल्कुल सही है सो सी ऑप्शन इज योर करेक्ट वन ह्योर आई होप दिस इज क्लियर नेक्स्ट क्वेश्चन सो नेक्स्ट क्वेश्चन यू कैन सी आपके पास क्या है फिनॉलफलीन का सोल्यूशन है फिनॉलफलिन सोलूशन अगर देखा जाए तो आप सबको पता है जैसे ही एसिड में डालते हो तो वो कलरलेस होता है बट जैसे ही आप उसको बेस में डालते हो वो पिंक कलर का हो जाता है राइट right? तो वही चीज हमने देखनी है हमारे पास तीन टेस्ट ट्यूब है ए बी एंड सी ठीक है ए टेस्ट ट्यूब है बी टेस्ट ट्यूब है एंड सी है ए में क्या है एक्स मतलब है मतलब एसिड है कहने का मतलब ए में क्या है एसिड है और बी में क्या है सोडियम हाइड्रोक्साइड ऑक्साइड एनओ एच इज बेस ठीक है और जो सी है उसमें तो सिंपल वाटर है डिस्टिल्ड वाटर है तो आप क्या ऑब्जर्व करोगे हर एक में तो देखो जी सीधी सी डायरेक्ट सी बात है उन्होंने थोड़ा घुमा के बता दिया आपको कि फर्स्ट में एसिड है तो फिनॉल फेथिलीन एसिडिक में डालोगे तो क्या होगा कलरलेस तो ए क्या होगा कलरलेस बी क्या हो जाएगा पिंक हो जाएगा आपका ठीक है और सी क्या रह जाएगा पानी है वो तो कलरलेस ही रहेगा तो आपका बच क्वेश्चन का आंसर क्या आ जाएगा कि ए एसिडिक था एसिडिक में फिनॉल्फलीन डालोगे वो कलरलेस होगा बी बेस था तो पिंक हो जाएगा और सी क्या रहेगा कलरलेस रहेगा तो ए ऑप्शन आपका बिल्कुल सही है बस आप उन्होंने क्या किया थोड़ा सा क्वेश्चन घुमा दिया आपको सीधे ये नहीं बोला कि एसिड डाला बेस डाला या फिनॉलफलीन एसिडिक में डाली या बेसिक में बस आपको पता होना चाहिए कि एसिडिक कौन से होते हैं और बेसिक कौन से होते हैं आपका डायरेक्ट आंसर आ जाएगा ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन एंड द लास्ट क्वेश्चन आइडेंटिफाई द इनकरेक्ट स्टेटमेंट इन से आइडेंटिफाई कीजिए कौन सी स्टेटमेंट गलत है पहले एसिड्स आर सार इन टेस्ट बिल्कुल सही है वेयर इज बेसिस आर बिटर इन टेस्ट एंड सोपी टू टच ए वाला तो बिल्कुल सही है ठीक है तो ए वाला बिल्कुल सही है तो ए ऑप्शन तो, तो काट दो क्योंकि गलत पूछा उन्होंने उन्होंने पूछा इनकरेक्ट कौन सी है तो ए वाली तो सही है उसके बाद एसिड टर्न ब्लू लिटमस रेड रेड एंड लिटमस ब्लू तो बी वाला भी बिल्कुल सही है तो यहाँ पे सी वाला ऑप्शन भी कट गया बचा क्या सी और डी सब देखते हैं सॉलिड्स ऑफ सब्सटेंस दैट शो डिफरेंट कलर्स इन एसिडिक बेसिक एंड न्यूट्रल सॉल्यूशन इनको हम इंडिकेटर्स बोलते हैं नेक्स्ट एंड एसिड एंड अ बेस न्यूट्रलाइज टू फॉर्म अ सॉल्ट एंड सॉल्ट इज ऑलवेज न्यूट्रल्स अब देखो दो ऑप्शन है पहला सोल्यूशन ऑफ अ सब्सटांस जो हमें डिफरेंट कलर्स शो करे एसिडिक में बेसिक में न्यूट्रल सल्यूशन में वो इंडिकेटर्स होते हैं बिल्कुल सही है लिटमस टेस्ट करते हैं हम उससे बचा क्या सी ऑप्शन तो सी आई मीन डी ऑप्शन यहाँ पे सी दे रखा है ठीक है यहाँ पे गड़बड़ कर रखी है इन्होंने यहाँ पे डी लिखना था इन्होंने सो योर डी ऑप्शन इज करेक्ट वन ईयर मतलब इनकरेक्ट वन चूज करना था तो डी ऑप्शन यहाँ पे इनकरेक्ट है और सॉल्ट जरूरी नहीं है हमेशा न्यूचुरली हो ठीक है जी सो दिस इज ऑल अबाउट टूडे अबाउट एसिडी कैन बेसिस आई होप ये आपके लिए क्लास यूजफुल रही हो अंडरस्टैंडेबल हो और बहुत कुछ सीखने को मिला हो और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज इन फू गेट लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल थैंक यू वेरी मच